दिल चाहता है कि सुबह छुट्टी हुई है तो अभी बोर्ड के लेफ्ट साइड में, बोर्ड के लेफ्ट साइड में जो पूरा का पूरा ओपन सी दिख रहा है आपको, ये अरेबियन सी है, अरब सागर। जो भी कोई बड़े जहाज गोवा में आते हैं वो इसी रूट से आते हैं। तो अभी बोर्ड की राइट साइड में देखो, बोर्ड की राइट साइड में, बोर्ड की राइट साइड में जो माउंटेन के ऊपर आपको पैलेस दिखाई पड़ रहा है, उस पैलेस का नाम है डायमंड मर्चेंट बंगलो। लोग उसे जिमी पैलेस भी कहते हैं। करीब 30 साल पहले जब एक स्मगलर गोवा में आया था, स्मगलर का नाम था जिमी गासदार, तब ये बंगलो उसने बनाया था। और करीब 30 साल पहले इसकी कीमत थी अबाउट 85 करोड़। 30 साल पहले इसकी कीमत थी अबाउट 85 करोड़। ये बंगलो पूरा का पूरा अंडरग्राउंड है और इसमें अंडरग्राउंड 16 रूम है। और इसी पैलेस में गोविंदा की फिल्म हसीना मान जाएगी मूवी की शूटिंग हुई है। इस पैलेस में हसीना मान जाएगी मूवी की शूटिंग हुई। अभी पैलेस के ऊपर में देखो, एकदम टॉप पे जो व्हाइट कलर की बड़ी सी चर्च है, व्हाइट कलर की चर्च, उस चर्च का नाम है सेंट लॉरेंस चर्च। उस चर्च का नाम है सेंट लॉरेंस चर्च। पुर्तगाली स्टाइल की ये चर्च करीब करीब 400 साल पुरानी है। ये चर्च करीब 400 साल पुरानी है। और इसी चर्च के सामने शाहरुख खान की फिल्म जोश मूवी की शूटिंग हुई है। इस चर्च के सामने शाहरुख खान की फिल्म जोश मूवी की शूटिंग हुई है। तो अभी बोट की राइट साइड में देखो, बोट के ठीक राइट साइड में, बोट के राइट साइड में जो किनारे पे आपको माउंटेन दिखाई पड़ रहे हैं, उस माउंटेन पे व्हाइट और रेड कलर का पैलेस है। व्हाइट और रेड कलर का, ये है गोवा का गवर्नर पैलेस। गोवा का गवर्नर पैलेस यही है। ये पैलेस मेन गेट से 3 किलोमीटर अंदर है और उधर किसी को जाने की परमिशन नहीं है। जो भी कोई पानी में ट्रेवल करता है वो पैलेस उसको ही दिखता है। और जो प्रेजेंट गवर्नर है गोवा की, जो उसमें रहती है, उसका नाम है मृदुला सिन्हा। और उस प्लेस का नाम है डोना पावला। गोवा का फेमस प्लेस है और उस प्लेस का नाम है डोना पावला। एक दूसरे के लिए वहाँ